good morning students this is the lecture video of class 5 and the subject is social science this is your social science book and this is the lecture video of this is the lecture video number Eight. this is your lecture eighth video in the previous lecture we had started your chapter book and the chapter book is the world and its ocean we all had studied about the seven continents in which we have studied about asia africa and today we are going to discuss about north america नॉर्थ अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट दैट इज होम टू ट्वेंटी थ्री कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका संसार का तीसरा महाद्वीप है जिसमें तेईस कंट्रीज तेईस देश आते हैं इट इंक्लूड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैनेडा एंड द कैरिबियन आइसलैंड एमोंग अदर्स इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं फर्स्ट तो सबसे बड़ा स्टेट क्या हो जाता है अमेरिका आता है कैनेडा आता है और कैरेबियन आइसलैंड भी आता है इट कनेक्ट्स विथ साउथ अमेरिका बाई लैंड विया द स्ट्रेट ऑफ मेगालैंड या साउथ अमेरिका से किस से कम लैंड होता है किससे कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मेगालैंड से इट इज़ इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एमोस्फियर या नॉर्दर्न और वेस्टर्न गोलार्द यानी कि उत्तरी और पश्चिमी गोलार्द में है इट इज़ बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओसन इसके बॉर्डर यानी कि नॉर्थ के बॉर्डर पे क्या है आर्कटिक ओसन द अटलांटिक ओसन ऑन द ईस्ट ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओसन इसके साउथ में है तो इसके नॉर्थ में कौन सा ओसन है आर्कटिक ओसन नॉर्थ में आर्कटिक हो गया अटलांटिक ईस्ट में हो गया और पैसिफिक इसके साउथ में हो गया नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन साइज एंड रैक्स फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका चौथा महाद्वीप है किसमें साइज के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप किस कितने नंबर पे आता है चार नंबर पे और फिफ्थ आता है पॉपुलेशन के जनसंख्या के आधार पर फिफ्थ आता है इट हाउसेस द अमेजन रिवर दैट इज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इसके अंदर अमेजन नदी है जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो रेन वर्षा की जो जंगल होती है उससे सराउंडेड है चारों तरफ से इट इज़ डिवाइडेड इंटू ट्वेल्व कंट्रीज इसके अंदर बारह कंट्री है एंड इज अ कॉन्टिनेंट विथ मैनी नेचुरल वंडर्स और इसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक वंडर है यानी कि प्राकृतिक चीज़ें जो होती है प्राकृतिक जो दुनिया में अनोखी होती है वो चीज़ें होती हैं इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिसफियर यह पश्चिमी गोलार्ध में है एंड मेजरली इन द साउदर्न हेमिस्फियर और ज़्यादातर यह साउदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्थ में दिखता है अंटार्क्टिका अंटार्क्टिका लाइज एट द साउथ पोल अंटार्टिका कहाँ है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे एंड इज ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड इन आइस ऑल्सो वाई इट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट और यह पूरा आधा से अधिक यानी कि नाइन्टी परसेंट तो इसका भाग बर्फ़ से ही ढका रहता है इसलिए इसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं यानी कि उजला महाद्वीप श्वेत महाद्वीप इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ विथ एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स यह महाद्वीप यह पृथ्वी का सबसे पाँचवा बड़ा महाद्वीप है जहाँ बहुत ठंड रहती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नो कंट्री वॉनली दैट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स फ्राम ट्वेंटी नाइन कंट्रीज विजिट अंटार्टिका टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स थ्रू आउट द ईयर इस पर कोई पॉपुलेशन नहीं है इस पर कोई व्यक्ति मनुष्य कुछ नहीं रहता है इस पर सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स चाहते हैं उनतीस कंट्रियों के जहाँ अंटार्क्टिका को वो देखते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट निकालते हैं साल भर के लिए डिस्पाइट द कोल्ड अंटार्क्टिका हीज होम टू एनिमल्स लाइक पेंग सील्स एंड सी बर्ड ठंड के ठंड को मद्देनजर रखते हुए भी अंटार्कटिका किसका घर होता है अंटार्कटिका पेंगविन्स का घर होता है सील्स का घर होता है और सी बर्ड्स का यह लोग मेजरली ठंड में ही सर्वाइव करते हैं यह बर्फ में ही जन्म लेते हैं और बर्फ में ही रहते हैं इनको ठंड से ही ये होता है यूरोप यूरोप इज द अर्थ सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलेशिया बट इट हैज़ वन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूरोप अर्थ का दूसरा सबसे लास्ट यानी कि छोटा नीचे से देखा जाए तो उसको सेकेंड स्मॉल सेकेंड लास्ट कहते हैं तो दूसरा छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद लेकिन इसके पास वर्ल्ड का वन क्वार्टर पॉपुलेशन यानी कि वन बाई फोर्थ पॉपुलेशन है इसके पास यूरोप में इट इंक्लूड्स फोर्टी फोर कंट्रीज़ विथ डाइवर्स इथेन सिटीज़ एंड रीजनल क्लाइमेट्स इसके अंदर चौवालीस देश आते हैं डाइवर्स इथेन सिटीज़ इथेन सिटीज़ का मतलब होता है जातीयता और रीजनल क्लाइमेट्स यानी कि क्षेत्रीय जलवायु है इट इज़ डिवाइडेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द मेडिटेरनसी मेडिटेरन सी के बाद से यह अफ्रीका में चला जाता है एंड बाय द यूरल माउंटेन्स फ्रॉम एशिया और यूरल माउंटेन से एशिया है एशिया एंड यूरोप टुगेदर आर ऑफ एंड कॉल्ड यूरेसिया एशिया और यूरोप को साथ में हम क्या कहते हैं यूरेसिया इट इज़ लोकेटेड इंटाली इन द नॉर्दर्न हीस्फियर या उत्तरी गोलार्ध में दिखता है ऑस्ट्रेलिए यानी कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड द ओनली वन दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिसफेयर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है संसार का और यह एकलौता है जो पूरा का पूरा साधारण हिमस्कीपियर यानी कि दक्षिणी गोलाट में स्थित है इट हैज़ ये यूनिक को इको बिकॉज ऑफ इट्स रिमोट लोकेशन इसके पास अलग इको है अलग उसका स्थान है क्योंकि इसका रिमोट लोकेशन के यानी कि दूरवर्ती स्थान ये बहुत दूर रहता है दूर पड़ता है इसी के लिए बिंग जियोग्राफिकली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग हैज गिवन द ऑस्ट्रेलिया एबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मल्टीपल इथेन्सिटीज़ जियोग्राफली भौगोलिक दूर रहने के कारण संसार के भौगोलिक कारणों से दूर रहने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पास एबेंडेंस में प्रचुरता है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता और मल्टीपल इथेनसिटीज या जी की बहुत सारी जाती है की बहुत सारी प्रचुरता है बहुत ज़्यादा मात्रा में द ग्रेट बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर टू वेल नोन फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण दो फीचर क्या है द ग्रेट बैरियर रीफ और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया के दो महत्वपूर्ण फीचर हैं माउंट कोसीस जियो कॉस कोशियस जिको इज द हाइएस्ट पिक ऑन दिस कॉन्टिनेंट इस कॉन्टिनेंट का सबसे हाइस्ट पिक क्या है माउंट कॉस् जिको ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप ये पढ़ो अच्छे से और समझो